जम्मू कश्मीर में 3 दिन के दौरे पर निकले गृह मंत्री अमित शाह ने कई तरह के वादे और अपील की। चलिए बताते हैं आखिर अमित शाह ने क्या कहा। जम्मू कश्मीर में एक रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के युवाओं के विकास में शामिल होने की अपील की है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद पहली बार यहां के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर युवा जम्मू कश्मीर के विकास में शामिल होंगे तो आतंकवादी अपने नाकाम मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बता दें, जम्मू कश्मीर में एक रैली में भाषण देते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू के लोगों को नजरअंदाज करने का वक्त अब समाप्त हो गया है। जम्मू और कश्मीर दोनों का विकास अब साथ साथ होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर युवा जम्मू कश्मीर के विकास में शामिल होंगे तो आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वहीं बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अब तक 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है और हमारा लक्ष्य है 2022 के अंत तक इसे 51,000 करोड़ रुपए करने का। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि कोई भी नागरिक हिंसा में ना मारा जाए और जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो। अब हर कोई इंतजार कर रहा है कि अमित शाह, जो अपना इतना सब होने के बाद जम्मू कश्मीर आए हैं, वो अपने वादे पूरे करेंगे। क्या आम जनता के मारे जाने का डर कम होगा? क्या सच में कश्मीर से आतंकवाद का सफाया होगा? उम्मीद है इस बार सरकार अपने वादे पूरे करेगी। इसी के साथ आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7 में आपके साथ साधिका कौर। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।